नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 24 अक्टूबर वो तारीख जिसका इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही है, क्योंकि इस दिन ही T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर पूरी दुनिया में अभी से ही माहौल बना हुआ है, लेकिन इस मुकाबले से भारत की चिंताएं थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि भारत का एक बड़ा मैच जिताऊ प्लेयर इस वक्त अपनी फॉर्म में नहीं है। जब से यह खिलाड़ी चोटिल हुआ है, तब से यह प्लेयर ना तो ठीक से बल्लेबाजी कर पा रहा है, ना ही ठीक से गेंदबाजी। यही वजह है कि भारत को थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। हालांकि भारत ने हार्दिक पांड्या की जगह उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल कर लिया है। अगर हार्दिक फिट नहीं होते हैं तो शार्दुल को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी तय है। वहीं भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा है, यदि मुझे सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ जाना हो तब मैं मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए हार्दिक पांड्या से पहले ईशान किशन को चुनना पसंद करूंगा। यदि आप 5 उचित गेंदबाज और 6 बल्लेबाजों के साथ जा रहे हैं तो गेंदबाजों के बारे में भूल जाओ। बल्ले से भी हार्दिक की लय एक बड़ी चिंता है। गंभीर ने इसके आगे कहा, हार्दिक पांड्या को भारतीय प्लेइंग 11 में जगह तभी मिल सकती है जब वो न सिर्फ नेट्स में बल्कि दोनों वार्मअप मैच में भी गेंदबाजी करें। नेट्स और वर्ल्ड कप में बाबर आजम जैसे क्वालिटी बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करने में बहुत बड़ा फर्क है। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई गलती नहीं करना चाहता है। ऐसे में हार्दिक को टीम में शामिल करना या नहीं करना, ये एक बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। गंभीर ने हार्दिक की गेंदबाजी पर बात करते हुए कहा, हार्दिक 115 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप आकर 115-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर लेंगे तो मैं यह खतरा नहीं लूंगा। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान अब तक T20 वर्ल्ड कप में 5 बार एक दूसरे से टकरा चुके हैं। हर बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अगर भारत अपना यह रिकॉर्ड कायम रखना चाहता है तो उसे मैच में कोई गलती नहीं करनी होगी जिसका फायदा पाकिस्तान उठा सके। वैसे आपको क्या लगता है, हार्दिक को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर।